सर्वात्मा, सबके भगवान, सभी कारणों के भी कारण, सर्वेश्वर, सबके आदि रूप, सर्वज्ञ, परिपालक, नित्य स्वरूप, नित्य देह वाले, नित्यानंद, निराकार, स्वतंत्र, निराशंक, निर्गुण, निर्विकार, अनासक्त, सर्वसाक्षी, सर्वाधार, माया विशिष्ट परमात्मा ही मूल प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है हितेश पवार और ये हैं मुलताई, जगह है कोई और बैतूल मध्य प्रदेश में है ना, वहीं से। मैंने जो सूर्य को अर्घ देने वाला कार्यक्रम बनाया था वो वस्तुतः सूर्य को अर्घ नहीं देना है। आप लोगों में से कई लोग उस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि दरअसल सूर्य को जो अर्घ दिया गया है वो जल कैसे पी सकते हैं। नहीं, वो सूर्य को अर्घ देने के बाद रोगी जो आपके घर में हैं या फिर अगर आप स्वयं रोग से पीड़ित रह रहे हैं तो सूर्यार्घ देने के बाद वो प्रक्रिया करनी है अलग से। मेरे कहने का मतलब ये था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आपको उसी मंत्र से सूर्य को अर्घ देना है और उसी मंत्र को जो है वही जल पी लेना। नहीं, वो पहले जो है वो सूर्यार्घ दे दिया उसके बाद ही प्रक्रिया उस मंत्र से करनी है। अगर आप कल का कार्यक्रम देख करके इस बात से कंफ्यूजन में जा रहे हैं कि सूर्य को अर्घ देने के बाद वो जल पी जाना है तो आपको ये बात समझनी होगी। किसी ने बात लिखी भी थी और मुझे व्हाट्सएप पे भी कई लोग पूछ रहे हैं, पर मेरे कहने का मतलब हो सकता है मैंने ये बात कही ना हो, लेकिन सूर्य को अर्घ पहले दे देना है उसके बाद उस मंत्र से 11 बार वो मंत्र पढ़ना है और वो 11 बार वो जल समर्पित कर देना है, नीचे रखे कटोरी में या गिलास में, और उसके बाद किसी पात्र में वो जल गिराइए, उसके बाद वो जल पीना है। वो सूर्य का अर्घ नहीं है। मैंने क्या बात कही थी कि सूर्य का अर्घ किसी को पीना नहीं होता है, वो पी नहीं सकते आप, तो मेरे कहने का मतलब वही था। वस्तुतः हो सकता है समझने में भूल हो गई हो या मुझे बताने में भूल हो गई हो या फिर मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ, आप लोग उसे अलग तरीके से समझ गए। सूर्य को अर्घ पहले देना है उसके बाद वो काम करना है रोगी के निमित्त। आप किसी को भी घर में कोई दादा दादी जी, कोई व्यक्ति जो बीमार है उसके लिए भी ये साधन अपनाए जा सकते हैं। अब समझ में आ गई होगी बात। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग मेरे प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखा करिए। मैं जहां तक समझता हूं कि मैंने जितने भी कार्यक्रम, जैसे कल परसों मैंने एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें ये बात कही थी कि ज्योतिषियों को घूम घूम करके जो आजकल चलन बढ़ा है कि अपॉइंटमेंट लीजिए और पंडित जी जो है वो कानपुर में आ रहे हैं, पंडित जी जो है वो लखनऊ में जा रहे हैं, पंडित जी जो है वो दुबई में जा रहे हैं, पंडित जी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो ये प्रक्रम जो चला है ये नहीं है। और वस्तुतः सच्चाई ये है कि हम सुनना तो चाहते हैं पर बात यह है कि अब आप सच्चाई कहें तो किसे कहें, और कोई सुनना भी तो नहीं चाहता, और सब लोग पंडित जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं। पर्सनल मिल करके दरअसल कुआं कौन है, मैं हूं या ज्योतिषी है, आप खुद जाकर के मिलिए। लेकिन ज्योतिषी किसी के दरवाजे पे ना जाए और ना ज्योतिषियों को घूम घूम करके व्यापारी की तरह बांचना चाहिए और ना जाना चाहिए, वो एक जगह स्थिर रहे। अब आजकल तो बड़ी बड़ी होटल में व्यवस्थाएं बन जाती हैं, अपॉइंटमेंट बुक हो जाती हैं 5,000, 10,000, 11,000 और फिर ब्रह्मा बन जाते हैं ज्योतिषी स्वयं ही, और उसके बाद फिर जो है वो बांच दी जाती है कुंडली, और फिर उसके बाद जो है वो 1100 जिसकी फी है मेरी, फिर आते हैं लोग पंडित जी यहाँ दिखाए, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, यहाँ दिखाया कुछ नहीं हुआ। ये बात होती है, ये सच्चाई है, जो ना तो कहने की किसी की हिम्मत है क्योंकि सब कमा रहे हैं। बात यह नहीं, की ये कुंडली और वस्तुतः चैत्र माह में ये जन्मे हैं। अब एक बात और भी अद्भुत है, चैत्र माह में जन्मे होने से व्यक्ति का प्रभाव देर से विकसित होता है, मतलब लगातार आप एक ही बार में किसी को प्रभावित नहीं कर पाते, कई बार आप विलंब से, देर से या बाद में प्रभावित होता है कोई आपसे, ऐसी स्थितियां बनती हैं। उत्तरायण में जन्मे हैं इस वजह से आत्मबल ठीक है पर उसको प्रेजेंट करने का तरीका कई बार उल्टा पुल्टा हो सकता है,
लेकिन उस पर काम करने की आवश्यकता भी महसूस करता हूं। क्लियर है? वसंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति प्रेमी है और पत्नी के साथ दाम्पत्य में लाभ की स्थिति मिलेगी, और कुंडली में देख करके ये बात बताऊंगा कि कितनी लाभ और कितने हानि के संयोग है। सोमवार के जन्मे होने से व्यक्ति झगड़ालू नहीं है और शुद्ध इनकम करना चाहता है, शुद्ध प्राप्त करना चाहता है धन, कहीं से भी गलत और निंदनीय कृत्य करके कोई धन नहीं कमाना चाहता है। शुक्ल पक्ष के दसवीं तिथि के होने के कारण व्यक्ति के पास इनकम के सोर्स लगातार बनने वाले सरकारी क्षेत्र से भी नौकरी के योग बनते हैं और व्यक्ति को एक ऐसी जो है वो आय के साधन मिल जाते हैं जहां से वो रेगुलर एक जैसी आमदनी प्राप्त कर सकता है। मतलब ये एक अच्छी बात है, जहां चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ ग्रह होंगे और ये जहां कहीं भी बैठे होंगे वहां पे उस भाव को शुभता देंगे या शुभ लक्षणों से युक्त करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ के बताऊं, आश्लेषा नक्षत्र ये थोड़ा कमजोर करेगा, जहां व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के माता के सुखों को कम कर सकता है, माता के परेशानियों को बढ़ा सकता है। कई बार व्यक्ति स्वयं भी थोड़े से आत्मबल से तो नहीं पर भावनाओं से कमजोर होता है, उसके प्रत्येक चीजों में सबसे पहले इमोशन जुड़ता है, वो सबसे पहले किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ता है, मानसिक रूप से धीरे से जुड़ता है, भावनात्मक रूप से वो प्रबलता से जुड़ जाता है। बात बड़ी अद्भुत कहता हूं मैं, पर अलग बात है कि मेरे कार्यक्रम के व्यूज बड़े कम है। और एक बड़ी अद्भुत बात मैंने ये भी देखी है कि जिस कार्यक्रम में मैंने अच्छी बातें कही हैं उस कार्यक्रम को और भी लोगों ने नहीं देखा है। अब जिस कार्यक्रम में बेवजह की चीजें बकी जाती हैं इंटरनेट पे, वर्ल्ड पे, वहां पे बड़ा मन दुखी हो जाता है कि कितना तो कितनी अच्छी बात तो कही थी पर लोगों ने सुना नहीं, और कितना बकवाद कर रहा है ये व्यक्ति फिर भी इसके इतने व्यूज कैसे हो सकते हैं। तो सच में जो है वो कलयुग में लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, और यहां पे सत्य को कहने के लिए कई बार आप बिल्कुल सामने होते हैं पर कोई आपको सुनता नहीं है, क्या कर सकते हैं। धृति योग ये ठीक है और नहीं भी है, मैं इसे 50% आपके पक्ष में कहूंगा। तैतलकरण ठीक ठाक है, कर्म क्षेत्र के लिए और व्यवसाय के लिए ये एक लाभदायक करण बनेगा। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण सात्विकता है और तामसिकता भी है, मतलब तामस तत्वों का प्रधान होना और साथ ही साथ उसमें सात्विक तत्वों का, ये दोनों का मेल और संयोग लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है। ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण व्यक्ति में निरंकुशता नहीं है, वो किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता, सबको साथ लेकर के चलना चाहता है, समाज को कुछ देना चाहता है और भगवत भक्त होता है, माता पिता की सेवा करना चाहता है, सबके लिए कुछ करना चाहता है, ये भाव जागृत होता है। कभी कभी अत्यंत तीव्रता से तुरंत ही क्रोध आए और तुरंत शांत भी हो जाए, ऐसी बातें दिखती हैं। आइए अब आपको मैं इनकी कुंडली का पंचांग तो पढ़ के बता दिया हूं, अब सबसे पहले मैं इनकी कुंडली में आपको ये बता देता हूं कि पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है। पंचांग में सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि इनका जन्म सोमवार को हुआ, उसके बाद चंद्रमा शुभ ग्रह बने, उसके बाद ब्राह्मण वर्ण के हैं ये, उसके बाद उत्तरायण में जन्मे हैं, उसके बाद वसंत ऋतु में जन्मे हैं, ये सारी चीजें आपके पंचांग के लिए अच्छी बन रही हैं। और मैं जहां तक समझता हूं कि ये और भी अच्छी बात हो जाती है कि व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है, शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से कई बार चीजें बहुत ही ज्यादा आपके पक्ष में हो जाती हैं, जो चीजें निगेटिव होती हैं वो भी आपके पक्ष में आने वाली हो जाती है। क्लियर है? अब आइए आगे बढ़ता हूं। वृषभ लग्न की कुंडली, अब जरा ध्यान से समझिए आप कि वृषभ लग्न की कुंडली जब बनेगी तो वस्तुतः ये दो नंबर जो यहां लिखा है ये यहां लिखा था, जो काल पुरुष की कुंडली में दो नंबर यहां लिखा है ये दो नंबर यहां द्वितीय भाव में लिखा है। मतलब व्यक्ति के जीवन में धन जुड़ेगा, व्यक्ति के जीवन में विचार जुड़ेंगे, व्यक्ति के जीवन में सुंदरता जुड़ेगी, व्यक्ति के जीवन में वाणी जुड़ जाए और वाणी से संबंधित चीजें जुड़ जाए, व्यक्ति का स्वभाव जुड़ जाए, मतलब ये सारी चीजें, व्यक्ति का मुखड़ा सुंदर हो, व्यक्तित्व बेहतरीन हो, आनंद ज्यादा मिलने वाला, शुक्र से प्रभावित ये लग्न, भूमि तत्व का लग्न, लग्न में बना है राशि, लग्न में बना, और वस्तुतः ये वृषभ मतलब चौपाया जानवर, जहां व्यक्ति कई बार बुद्धि कम लगाए और बल ज्यादा लगाए, ऐसी स्थितियां होती हैं। अब लग्न के अधिपति जो है वो दशम स्थान में बैठे हैं, ये लक्ष्मी संपन्न योग है, पर जरा ध्यान से समझिएगा, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए भाग्य भाव के और दशम स्थान के अधिपति होकर के शनि शुक्र के साथ बैठे हैं, लग्न और सुख के अधिपति का एक साथ बैठना,
और जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान पे दोनों का प्रभाव, जहां के अधिपति व्यक्ति की कुंडली में बुध के साथ बैठे हैं जो कौन है, द्वितीय भाव के अधिपति। माता का सुख तो है पर राहु जो है वो जन्म कुंडली में कहां है, जन्म कुंडली में माता के कारक से केंद्र में, माता के कारक जो ग्रह है वो स्वग्रही होकर के बैठे। इसका मतलब है कि व्यक्ति की माता है और माता से सुख भी है और व्यक्ति को माता से लाभ भी है, क्योंकि माता भाव के अधिपति और धन भाव के अधिपति का एक साथ जाना, एकादशवां भाव बलि होगा और केंद्र के अधिपति का संबंध जब धन भाव से हो जाए तो ये महाधनी योग होता है। और साथ ही साथ व्यक्ति पिता का सुख, राज्य का सुख, क्षेत्र का सुख, दशा का सुख, शनि की दशा का सुख, शुक्र की दशा का सुख भोग लेता है। अब यहाँ पे आप जब इस चीज को विचार करते हैं, इस चीज पे आप मंथन करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, तो दशम स्थान से बैठ करके शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पे पड़ेगी, जहां इनकी कुंडली में एक नंबर लिखा है शनि की तीसरी दृष्टि, ये ठीक नहीं है। जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके उसके घर पे ला करके केंद्रित करते, क्योंकि यहाँ के अधिपति जो है वो दरअसल धन भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं और वस्तुतः केंद्र के दो घर खाली हैं, दो घर भरे हैं, जहां एक शुभग्रह गुरु और दूसरे शुभग्रह शुक्र, दो शुभग्रहों का केंद्र में होना और चतुर्थ भाव पे जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव और दशम भाव के अधिपति का दशम भाव में बैठना और लग्न में शुभग्रह की राशि का बैठा होना और लग्नेश का चतुर्थ भाव को देखना, लग्नेश का चतुर्थ भाव को देखना और केंद्र के अधिपति न होकर के पर अष्टम भाव के अधिपति और 12 एकादशवें भाव के अधिपति होकर के लग्न को देखने से व्यक्ति चिंता बहुत ज्यादा करता है। उसको बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं। आप बेवजह की चीजों पे अपना दिमाग ना लगाइए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। हालांकि आपकी कुंडली में ये बात बहुत अच्छी दिख रही है, इस कुंडली में माता बीमार हो सकती है, मैंने आश्लेषा नक्षत्र के कारण कहा था। और दूसरे नंबर पर यह बात कही थी कि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव खाली है, पंचम भाव खाली है और नवम भाव खाली है। इस कारण से कि जब जन्म कुंडली के चतुर्थ, पंचम और नवम भाव खाली होंगे तो निसंदेह कुछ कमजोरी भी बनेगी। ज्यादातर भाव अगर भरे हो ना कुंडली में तो कुंडली अच्छी बन रही है, और अगर ज्यादातर भाव कमजोर बन रहे हों, मतलब खाली हों, तो कुंडली थोड़ी कमजोर हो जाती है। हमें इस बात को बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है कि हमारी कुंडली में कितने घर भरे और कितने घर खाली। ज्यादा घर भरे तो ज्यादा कुंडली मजबूत, ज्यादातर कम भाव भरे तो कुंडली थोड़ी कम कमजोर, मतलब मजबूत कम, कमजोर ज्यादा। आपने गौर नहीं किया तो भाग्य भाव के अधिपति के साथ लग्नेश का बैठना ये व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाएगा, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति दशम स्थान में बैठे हैं। व्यक्ति स्वयं के ही पैरों पर खड़ा होना चाहता है, किसी दूसरे के पैरों पर तो कोई भी नहीं खड़ा होता है। वैशाखी की आवश्यकता अगर हो जाए जीवन में तो समस्याएं कई गुना बढ़ जाती हैं, और खास करके जब वो जिम्मेदार ना हो तो और भी ज्यादा। लेकिन ये व्यक्ति जिम्मेदार है अपने काम को लेकर के, अपने समाज को लेकर के, अपने स्टेटस को लेकर के, अपने धैर्य को लेकर के, बुद्धिमत्ता को लेकर के, गांभीर्य को लेकर के, माता पिता की सेवा को लेकर के। लेकिन थोड़ी सी कमजोरी उसको जहां से मिलने वाली है, बताऊं कहां से, बताता हूं। शनि की तीसरी दृष्टि के बारे में चर्चा मैंने अच्छी नहीं की थी, मतलब वो विदेश के लिए अच्छे नहीं है, पर शनि की सातवीं दृष्टि जो है यहां भी अच्छी नहीं है। इस वजह से माता को रोग हो जाए और कई बार ऐसी बीमारियां हो जाए जो शनि की दशा में उत्पन्न हो। इन्होंने बात कही कि 2008 से ही मेरी माता को समस्या है और इनकी कुंडली में 2008 में ही शनि अंतर में आए थे। शनि ऐसी बीमारी देके आएंगे किसको, माता को, और शनि कई बार व्यक्ति के व्यवधान के कारक बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे भी उनकी नीच की दृष्टि है, यहां पे भी उनकी अच्छी दृष्टि नहीं है और यहां पे भी उनकी अच्छी दृष्टि नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपकी कुंडली का जो सर्वाधिक योग कारक ग्रह है, अगर वो अच्छे भाव में नहीं बैठा या अगर उसकी दृष्टि अच्छे अच्छे भावों पे नहीं जा रही है, तो निसंदेह वो योग कारक होने के बावजूद भी परेशानी खड़ा करने में सोचेगा नहीं और संकोच तो करेगा भी नहीं। जरा विचार करिए कि शनि जो होते हैं वो लंबे समय तक बीमारियां देते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं गंभीरता से बात कर रहा हूं। शनि जो है वो लंबे समय तक बीमारी दे देते हैं, और माता भाव को देखा है तो माता को ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक बेड रिडन बना दे। इनकी माता जी के साथ ऐसा ही हुआ है। इनके सवाल मैं पढ़ देता हूं। प्रणाम गुरु जी, जय श्री महाकाल। मेरा नाम हितेश पवार है। हम आपका कार्यक्रम रोज देखते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आपसे कुंडली विशेषण के अलावा भी कुछ सवाल है।
गुरु जी मेरा करियर कैसा है, मैं अभी ऑटोमोबाइल सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, क्या यहाँ मेरा फ्यूचर है या मैं कुछ बेटर जॉब की तलाश करूँ? अभी तो फिलहाल आप यहीं टिक करके रहिए, कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है इस दशा काल में। अब जब आपको कारोबार करना होगा तो 2030 के बाद करिएगा, अभी नहीं। अभी चुपचाप आपको इसी क्षेत्र में अपने आप को बना करके रखने की आवश्यकता है। वस्तुतः आप काम कर सकते हैं पर बाद में, अपना काम बाद में, अभी फिलहाल आपको नौकरी करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जॉब या बिजनेस क्या करें, आपकी कुंडली में आप जो भी व्यवसाय करेंगे उसमें आप तल्लीन भी रहेंगे और रेगुलराइज भी रहेंगे, क्योंकि नवांश कुंडली में भी जो शनि बैठे हैं वो वस्तुतः मित्र की राशि में और शुक्र के ही राशि में, शुक्र के साथ यहाँ भी संगत हो रही है लग्नेश के साथ, यहाँ भी जो है वो शुक्र पंचम भाव के अधिपति हैं और शनि जो है वो नवम भाव के अधिपति हैं, और जरा गौर से देखिए तो दोनों निकटस्थी बैठे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काम कर सकता है, क्योंकि इनकी कुंडली में शनि की जो स्थिति है वो खराब नहीं है, यहाँ भी अच्छे होते हैं और यहाँ पर वो व्यापार भाव के अधिपति होकर के उच्चके हुए हैं और गुरु से केंद्र में जा रहे हैं, जहाँ गुरु उच्चके हो रहे हैं। धन भाव में चंद्रमा का बैठना बहुत अच्छा, शुक्र का नीच का होना और मंगल का एक साथ बैठना, जो कि जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति हैं, निस्संदेह आप अपना व्यापार भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अगर तैयार हैं आप तो मैं आपको निकटस्थ एक समय दे सकता हूँ, 2023 का 8वां महीना, अगर खुद को तैयार मानते हैं तो, अन्यथा तो 2030 बाकी है। अगर तैयार हैं तो अगले वर्ष से ही आप ये काम शुरू कर सकते हैं, अगर तैयार नहीं है तो 2030 तक का इंतजार करना होगा। एक वक्त आपकी कुंडली में और भी आएगा जो आपसे व्यापार करवा सकता है, 2027 का 10वां महीना, जहां से आप, मैं एक बात आपको समझाता हूं, दरअसल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक दौर आता है खुद का काम करने का, खुद का व्यवसाय या नौकरी या सरकारी नौकरी की तैयारी, लेकिन अभी मैं जहां तक आपकी कुंडली को समझ रहा हूं, इस कुंडली में अभी नौकरी करने के ही योग ज्यादा अच्छे हैं व्यापार करने से भी। वस्तुतः ये लग्नेश की दशा है, इस दशा काल में आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं और इस दशा काल में ही आप संपूर्णता को प्राप्त भी करेंगे, क्योंकि शुक्र के बाद जब सूर्य आएंगे, वस्तुतः वृषभ लग्न की कुंडली के लिए वो सुखेश होते हैं, 5 संख्या आपके लिए अच्छी है और सफेद रंग अच्छा है, गेरुआ रंग अच्छा है, भगवत भक्ति के कोई भी मार्ग अपना सकते हैं, भगवत भक्ति के जो साधन बताए गए हैं उसमें से कोई भी एक मार्ग आप अपना सकते हैं, भगवान की सेवा करना, उनके मंत्रों का जप करना, अभ्यास करना, उनके नाम की चर्चा करना, कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम ऐसे जो श्लोक है उस तरीके से। तो इसका मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी कुंडली में अभी फिलहाल नौकरी और अभी भक्ति के पथ पर रह करके ही चुपचाप नौकरी करने की आवश्यकता है। आपने अगला सवाल पूछा है कि उच्च शिक्षा करने का मन है पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसका कारण क्या है बताऊं? उच्च शिक्षा के अधिपति अगर पंचम भाव को देखते हैं तो यहाँ के अधिपति नीच के हैं, हालांकि उच्च की दृष्टि यहाँ जा रही है, लेकिन इस भाव से तृतीयस्थ चंद्रमा और मंगल ये ठीक नहीं है, हालांकि इस भाव का बल बढ़ेगा पर नीच के हैं इस वजह से कमजोर है, और यहाँ के कारक जो ग्रह हैं वो गुरु जन्म कुंडली में अकेले बैठे हैं, जिसके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन उनके ठीक पीछे राहु, ये थोड़ा कमजोर, लेकिन गुरु जो है वो एक योग बना रहे हैं, इस वजह से आपका मन करता है कि कुछ कर लूं और भी बेहतर और कुछ और भी डिग्रियां हासिल कर लूं, और प्रयास करना भी चाहिए। और मैं समझता हूं कि एक योग आपकी कुंडली में जो आ रहा है अभी, वैसे स्थिति में जो योग बनेगा जब आप प्रयास करेंगे वो योग बनेगा 2022 के 9वें महीने से। अगर कोई एडमिशन वगैरह देना हो आप इसमें ले लीजिए, और कुछ भी फॉर्म वगैरह भरना हो आप भर करके आगे निकल जाइए। और वस्तुतः उसमें व्यवधान क्यों आता है, नवम भाव के अधिपति शुक्र के साथ वितो बैठे हैं, और वस्तुतः वो लग्नेश नहीं कहे जाएंगे, षष्ठेश कहे जाएंगे, क्योंकि लग्नेश की दूसरी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के 6ठे भाव में बन रही है। इस कारण से और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति और उच्च शिक्षा भाव के अधिपति के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो थोड़ी बहुत व्यवधान के साथ आपको सफल जरूर बना देगा, क्योंकि मित्र की राशि को देख रहा है और दोनों ही उसके मित्र ही हैं, खराब तो दोनों में से कोई भी नहीं है, राहु की दृष्टि यहाँ पे अच्छी बनेगी दोनों के लिए, और वस्तुतः ये बैठे भी अच्छे हैं, खराब वो भी नहीं बैठे, मैं समझता हूँ बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, और निस्संदेह ये थोड़े बहुत व्यवधान राहु के कारण हो रहा है, पर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप 2022 के 9वें महीने में उसके लिए इनिशियल स्टेप ले सकते हैं, क्लियर है? मैग्नेटिक पर्सनालिटी कैसे लाएं? मैग्नेटिक क्या बोलते हैं उसको, पर्सनालिटी, उसके लिए मंत्रों का जप, उसके लिए भगवान सूर्य की आराधना, नारायण की उपासना, और मैं समझता हूँ कि गणेश जी के मंत्रों की आराधना या जप कर सकते हैं। सूर्य और गणेश जी के मंत्रों से आपकी वाक शुद्धि बढ़ती है,
नावारण मंत्र के जप से वाक शुद्धि बढ़ती है। अगर हो सके तो ये कर लीजिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेने से व्यक्ति की वाक शुद्धि और वाक चातुर्यता की स्थिति बढ़ती है, उसके प्रभावों में वृद्धि होती है और मैं समझता हूं कि वो आपको कर लेना चाहिए। अगर प्रत्येक दिन ना कर सके तो शुक्रवार को जरूर ही नावारण मंत्र का एक माला जप करके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेने से लाभ बढ़ेगा। नावारण मंत्र का एक माला जप अगर कर सकते हैं तो प्रत्येक दिन 11 बार कर लीजिए, और नहीं तो शुक्रवार को अनुष्ठानिक रूप दे करके भोग लगाया, पूजन करा, पंचोपचार माता की पूजा करी, उनके तस्वीर को पुष्प की माला अर्पित करी, धूप दीप नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करके और नावारण मंत्र का एक माला जप कर लीजिए, उसके बाद सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लीजिए शुक्रवार के शुक्रवार। आप ये चाहें तो रात्रि में भी कर सकते हैं, या दिन भर उपवास करके रात्रि में कर लीजिए, या अगर ना चाहें तो सुबह में ही, सुबह जल्दी जग जाइए शुक्रवार को और प्रातःकाल ये काम कर लीजिए, आनंद देखिए, ना मिले तो फिर बताइए। आगे बढ़ो। देखिए इन्होंने लिखा है, माँ का जो स्वास्थ्य 2008 से अभी तक बीमार है, मैंने वो जा करके देखा तो शनि ही थे, उस वजह से ही वो परेशान रही थी और ये हमेशा रहेगा। मैं समझता हूँ कि उसमें संकेत अगर ठीक है तो मैंने सूर्य वाला जो उपाय बताया है जो कल के कार्यक्रम में, उसे जाकर के आजमाइएगा और तब जाकर के लाभ करिएगा। कुछ उपाय और भी बताऊंगा पर यहाँ नहीं, बाद में आप मुझे फोन पे संपर्क करिएगा। दाम्पत्य जीवन कैसा है, ये सवाल। यहाँ चंद्रमा है और शुक्र पंचमस्त बैठे हैं, सप्तम भाव के अधिपति गुरु जो हैं वो नीच के हैं, और इन्होंने सवाल पूछा है कि मेरा ससुराल कैसा रहेगा। एक बात बताता हूँ, आपका ससुराल मुझे कंफ्यूज कर रहा है आपका ससुराल मुझे कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे इतने सारे ग्रह बैठे हैं कि दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, ससुर के पास से पैसा मिलेगा या फिर सास के पास से पैसा मिलेगा। पर इतनी बात करता हूँ, मैं इस सवाल का उत्तर ना दूंगा और हंसी में ही उड़ा रहा हूँ। खुद पे भरोसा जरूरी है, सास और ससुर के पैसों पे भरोसा ना करिए, और मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति खुद पे भरोसा करता है उसको सास और ससुर के पैसे की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं समझता हूँ कि आप 2 रुपए वाले व्यक्ति हों या 20 रुपए वाले व्यक्ति हों, चाहे 2 करोड़ वाले हों या 20 लाख वाले हों, आपकी संपत्ति ही आपकी असली संपत्ति है। किसी दूसरे के द्वारा दिया गया धन ना तो कभी आपका हो सकता है और ना उसका सुख आपको मिल सकता है। ये सर्वमान्य और सर्वविजित सत्य है, हमें इसका ही अभ्यास करना चाहिए। मैं इसी वजह से कहना चाहता हूँ, जितने भी युवा वर्ग हैं वो प्रेम तो आप करते हो पर लेना मत किसी से, चाहे कोई भी हो, एक सिक्का भी ना लेना, चाहे कोई भी हो और चाहे कोई भी हो। हाँ, क्योंकि वो एक सिक्का जो मिलेगा ना, पता नहीं कितने जन्मों तक आपको उसका कर्ज अदा करना पड़ेगा, कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो इस बाप से तौबा ही करने की आवश्यकता है, तो उस क्षेत्र में मत जाइए। आज मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो कहाँ के थे, बबुआ जिला के थे, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा गुरु जी मुझे एक बात बताओ कि ससुराल का सुख कैसा है। मैंने तो एक शब्द में बात कही कि मुझे जो आपकी कुंडली दिख रही है वो ये दिख रही है कि ससुराल से लाभ के संकेत है। मैंने इतनी बात कही खाली कि लाभ के संकेत है। सामने वाला व्यक्ति जोर से हंसता है और कहता है वाह गुरुजी बहुत अच्छी बात कही, मेरे ससुराल में मेरी जो पत्नी है वो 3 बहनें ही हैं और आपकी जो फलादेश की स्थिति है वो मुझे यही भविष्य की तरफ संकेत कर रही है कि मुझे वहां का धन जरूर मिलेगा। उन्हें कितना बेवकूफ आदमी है, कितना मूर्ख आदमी है। और पूछ क्या रहे थे श्रीमन कि मैं IAS या IPS बनूंगा कि नहीं, तो मैंने कहा कि ये कितनी मतलब छोटी बुद्धि की बात है कि आप एक तरफ पदस्थ अधिकारी बनने के बारे में विचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपका ध्यान ससुराल के धन पे भी है, ये दोनों चीजें मैच नहीं करती हैं। तो हमें इन सब विचारों से ऊपर उठने की आवश्यकता है। ससुराल के धन से आपका मोह नहीं होना चाहिए। हाँ, उन्हें आप कुछ अच्छा दे सकते हैं तो दे दीजिए, इतनी बात है। यहां पे आगे बढ़ता हूं, इष्ट देव कौन है। आपकी कुंडली में सर्वाधिक डिग्री के साथ जो ग्रह बैठे हैं वो बैठे हैं शनि 25 डिग्री के साथ, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में और गुरु केंद्र में, मित्र की राशि में। इस वजह से, और मैं जहां तक समझता हूं, नवांश कुंडली के आधार पर हनुमान जी की पूजा करिए, बजरंग बली की आराधना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगी। आप उनकी उपासना करेंगे तो आपकी भक्ति जल्दी ही सुन ली जाएगी और उनसे ही आप कोई चीज मांगा करो। हालांकि भगवान के पास जाकर के मांगना तो नहीं चाहिए, पर अगर कुछ बात बने तो उनसे जाकर के कह दिया करिए। दशा और महादशा का पूरा लाभ कैसे लें। किसी भी दशा और महादशा का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले दशा के अधिपति को देखना चाहिए, उसके संबंधों को देखना चाहिए। और मैं जहां तक समझता हूं तो आपकी कुंडली में शनि की दशा, शुक्र की दशा, बुध की दशा और चंद्रमा की दशा और साथ ही साथ गुरु की दशा आपके लिए कमजोर कभी भी नहीं होगी।
गुरु की दशा के कारण कई बार आपको छोटे मोटे लाभ पे नौकरी करनी पड़ सकती है, और कई बार शुक्र की दशा में व्यक्ति को धीरे धीरे परिणाम मिलते हैं क्योंकि शनि के साथ बैठे हैं, वो अपना फिजिकल नेचर या फिर एक नेचुरल बिहेवियर जो है वो ग्रह दे रहा है। क्लियर है? शनि की ढैया आने वाली है, क्या करें? कुछ नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, बजरंग बली के हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अगर हो सके तो सरसों तेल का दीपक शाम में जला दिया करिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और जितना ज्यादा हो सके पुण्य करिए, पाप पे मत जाइएगा। शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है, जितना ज्यादा हो सके धर्म करिए, डरना नहीं चाहिए। आपकी कुंडली में अगला सवाल आपने पूछा है, चलिए अगला सवाल, ये पढ़ने लायक नहीं है, इन्होंने पूछा है कि क्या अंक, कौन सा अंक ठीक रहेगा। अंक आपकी कुंडली में 5 अंक ठीक है। आपकी कुंडली के लिए राशि कन्या और मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये 3 राशियां अच्छी होंगी। दशाओं के आधार पर अगर बात करता हूं तो गुरु की दशा थोड़ी बहुत कमजोर जा सकती है, पर शुक्र शनि के अलावा, गुरु के अलावा जितने भी ग्रह बने हैं आपकी कुंडली में, कमजोर तो कोई भी नहीं है। पर हाँ, अब जरा ध्यान से समझते हैं एक एक ग्रह को। तो सूर्य जन्म कुंडली में मीन राशि के बैठे हैं, रेवती नक्षत्र में 26 डिग्री के थोड़े कमजोर, इस कारण से वो अपना वो संपूर्ण परिणाम ना दे करके थोड़े कमजोर होंगे, जिसके कारण व्यक्ति के सुख और माता के श्रेष्ठ लाभ मिलने में थोड़ी बहुत मशक्कत होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि शत्रु की है। ये बात तो पहली है, क्योंकि छठे भाव के अधिपति देख रहे हैं, तो माता भाव के अधिपति को किसने माता भाव को किसने देखा है? रोगेश ने भी देखा है, तो लग्नेश देखे हैं, इस वजह से उम्र तो दिए हैं, पर रोगेश भी देख रहे हैं, इस वजह से रोग भी दे दिए हैं। शनि देखे हैं, इस वजह से लॉन्गेविटी दे देते हैं, आयु दे देते हैं, ये बात बनती। चंद्रमा जन्म कुंडली में आश्लेषा, इस वजह से माता को रोग और कई बार लंबी बीमारी। मंगल जन्म कुंडली में जो बैठे हैं आश्लेषा, 20 डिग्री के बल है और चंद्रमा के पास भी बल है। चंद्रमा और मंगल की दशाएं आपकी कुंडली में जितनी भी रहेंगी संपूर्ण परिणाम देंगी। इस कुंडली में सूर्य की दशा में, मंगल की दशा में और मैं समझता हूं कि राहु की दशा में माता के स्वास्थ्य और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता ज्यादा होगी। अंतरदशा को खाली देख लीजिएगा और फिर ये बात स्पष्ट कर लीजिएगा। शनि की दशा में, सूर्य की दशा में, बुध की दशा में और गुरु की दशा में कोई भी काम करना होगा आगे बढ़ जाइएगा, रुकिएगा मत। फिर सिर्फ थोड़े से समय वगैरह देख लेना चाहिए कि मुहूर्त कब अच्छा है। बुध जो है वो जन्म कुंडली में रेवती के हैं, अपने नक्षत्र के हैं, नीच के हैं, पर फिर भी आपको बुद्धिमान बनाएंगे, उसमें कोई भी संशय नहीं है। और अस्त होने के बावजूद भी इस वजह से कई बार यहां वाला भाव कमजोर मिलता है, क्रेडिट देर से मिलता है, दिमाग बाद में काम करता है। इन्होंने पूछा है कि दिमाग कई बार बाद में काम करता है, जो चीज कभी बोलना होता है वो वहां नहीं बोलता, बाद में बोलता हूं। ये बात बुध की थी। देवगुरु बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में वक्री है और इस वजह से आपको पेट का रोग दे सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको अपने पेट का ख्याल विशेष रखना चाहिए और किसी भी तरीके से अपने हड्डियों के बीमारी को रोकने का संकेत तो हालांकि है। हालांकि चतुर्थ भाव के जो अधिपति हैं वो सूर्य बुध के साथ बैठे हैं, माता का सुख मिलता रहेगा, पर हाँ इतनी बात कहूंगा कि उनको बीमारी रहेगी और आपको गैस्ट्रिक पेशेंट बनना पड़ सकता है, अपच एसिडिटी कब्जियत वगैरह की शिकायतें आपको मिल सकती हैं, इसका ध्यान रखना होगा। गुरु के बाद शुक्र, 25% का परिणाम या कमजोर परिणाम या अनुभव से कमजोर, ये कारण है क्योंकि वो ग्रह वृद्ध है और लग्नेश है और वस्तुतः शनि के साथ बैठे हैं, बैठे तो दोनों मित्र हैं, इस वजह से भाव तो बलवान है पर वस्तुतः यहाँ की स्थिति थोड़ी कमजोर और यहाँ की स्थिति थोड़ी कमजोर। राहु के बैठने के कारण वो भाव ठीक जरूर हो रहा है, तुला राशि के बैठे हैं, राहु जो है वो अपने नक्षत्र के बैठे हैं, तुला के राहु खराब नहीं होते। छठे भाव में विषम संख्या की राशि का बनना और पुरुष की कुंडली होना, ये कुंडली अच्छी होती है। धन भाव के अधिपति का लाभ भाव में जाना, धन भाव के अधिपति से निकटस्थ केंद्र का बैठना, धन भाव के अधिपति से त्रिकोण में चंद्रमा का बैठना, धन भाव के अधिपति से लाभ भाव के अधिपति या चतुर्थ भाव के अधिपति का संग में जाना, लग्न के अधिपति का भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठना, दो परम मित्रों का एक साथ बैठ जाना, राहु का तुला राशि में अपने नक्षत्र में बैठना, केंद्र में दो दो शुभ ग्रहों का बैठना, स्वग्रही शनि का बैठना और चंद्रमा का नीच के मंगल के साथ बैठ करके मंगल का नीच भंग कर देना, ये कुंडली को बल दे रहे हैं। इतनी सी बात है। राहु और केतु आपकी कुंडली में जो बैठे हैं, शनि आपकी कुंडली के लिए मृतप्राय है, बजरंग बली की पूजा करिए, उनका दर्शन करिए और एक बात बता दूं तो गरीबों की सेवा करिए, समाज के लिए कुछ काम कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिएगा। धर्मार्थ जितने भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष लगाने का संकल्प लीजिए, बरगद के वृक्ष लगाने का संकल्प लीजिए, जितना ज्यादा हो सके पीपल और बरगद का वृक्ष लगाने का रिकॉर्ड बना लीजिए, आप प्रसिद्ध हो जाएंगे क्योंकि विश्व प्रसिद्ध होने का योग धर्म के काम में जुड़ करके व्यक्ति अगर करे तो बिल्कुल कर सकता है। अब आइए गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, क्या कही है? न तो मेरा कोई द्वेषी है
और ना मैं किसी से द्वेष रखता हूं, पर जो मुझे समझ जाता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है, जो मुझ पे संदेह करता है उसे मैं प्राप्त नहीं होता। मतलब क्या है? जिसने प्रश्न किया कि भगवान को तो मैंने देखा नहीं है, और जिसने प्रश्न नहीं किया चुपचाप उसमें श्रद्धा करके उसकी आराधना करता रहा, उसको याद करता रहा, तो निसंदेह उसको श्रेष्ठ और श्रेष्ठ वर ही प्राप्त होते हैं। मतलब कहने का ये भी है कि आप सिर्फ भक्तिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक या कर्मपूर्वक अपने परमात्मा को याद कर सकते हैं, उस पर संदेह नहीं कर सकते। और वस्तुतः कई बार लोग कहते हैं वेदों में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है, उपनिषदों में ये लिखा है, तो वो बिल्कुल सही कहते हैं, वो गलत नहीं कहते, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है वो भले ही ससंकित या संकुचित हो सकती है, पर वेदों की बात, पुराणों की बात गलत और कभी भी उस पर संदेह हो ही नहीं सकता। आप अपने आप को देख सकते हो, वेदों को ताकने की हिम्मत नहीं है आप में, और ना उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने की स्थिति है आपकी, क्योंकि वेदों के और पुराणों के और परमात्मा के बारे में जितनी भी बातें वेदों में कही गई हैं वो सर्वथा सत्य हैं और उस पर कभी भी कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। मैंने अपने एप्लीकेशन में एक स्टेटस लगाया है, वो एप्लीकेशन में आप जब जाएंगे तो आपको वहां मिल जाएगा, जो मैंने भगवान के लिए लिखे हैं, जरा सुन के जाइएगा। सर्वात्मा, सबके भगवान, सभी कारणों के भी कारण, सर्वेश्वर, सबके आदि रूप, सर्वज्ञ, परिपालक, नित्य स्वरूप, नित्य देह वाले, नित्यानंद, निराकार, स्वतंत्र, निराशंक, निर्गुण, निर्विकार, अनासक्त, सर्वसाक्षी, सर्वाधार, माया विशिष्ट परमात्मा ही मूल प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। बात आई समझ में? ये मैंने कल लिखा था, बहुत देर तक इतने सारे शब्द जुटाए उनके लिए और बड़ी मशक्कत करनी पड़ती। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।